मौजूद हैं और ये गोपालगंज में राजा दल जहाँ पे बनता है अभी हम वहाँ पे मौजूद हैं। और गोपालगंज में हर बार राजा दल अपने आप में खास रहा है और अच्छे अच्छे मूर्तियों का यहाँ पे बनावट होता है। और पंडालों की अगर बात की जाए तो एक से एक बेहतर पंडाल का निर्माण अगर होता है गोपालगंज में तो नंबर वन स्थान पर राजा दल रहा है। अभी हमारे साथ गोपालगंज के डेकोरेशन डायरेक्टर सर हमारे साथ हैं और इनसे आज हम खास बातचीत करेंगे और जानेंगे इस पंडाल के बारे में। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है चैनल का, आपका भी स्वागत है कि आप चल कर आए राजा दल कैंपस में। हर साल बेहतर राजा दल अपने आप में लाता है पंडाल या मूर्तियाँ, इस बार क्या तैयारी चल रही है? इस बार जोरों की तैयारी चल रही है। हर साल हम लोग डेढ़ महीना पहले से पंडाल का काम लगाते थे, इस साल ढाई महीना पहले काम लग चुका है, आप देख ही रहे हैं, आप सामने है। और हम लोग बहुत ज़ोरों से तैयारी इस साल कर रहे हैं और कई सालों के अपेक्षा इस साल बहुत ही भव्य पंडाल बनने जा रहा है। माता की प्रतिमा भी भव्य बनने जा रही है और लाइटिंग का भी जो व्यवस्था है वो अपने आप में अजूबा होगा। इस साल का जो बनारस से लाइट आ रहे हैं, JDM लाइट जो बनारस से चल कर आएगा या जो भी तोरणदार बनाए जाएंगे फूलों से जो कार्य किया जाएगा, वो कलकत्ते से सभी कारीगर आए हुए हैं और अब तैयारियाँ चल रही है। आप आइएगा समय पर तो सब। इस बार जो पंडाल बन रहा है किस मंदिर को उसमें दर्शाया जा रहा है? ये तो अक्षरधाम बन रहा है, जो गुजरात का अक्षरधाम मंदिर है वही इस साल पंडाल बनाया जा रहा है, उसी का मंदिर को जी उसी का रूप दिया जा रहा है। अभी आप जो देख रहे हैं सामने जो स्ट्रक्चर का काम चल रहा है और काम हमारे 26 कारीगर अभी लगे हुए हैं जो पंडाल को निर्माण में लगे हुए हैं, काम चल रहा है। अच्छा, इस बार मूर्ति की जो हाइट होने वाली है कितनी हाइट की मूर्ति इस बार बन रही है? मूर्ति माता की प्रतिमा इस साल 20 फीट की होगी। 20 फीट जी हाँ, हर साल 15 से 16 फीट प्रतिमा होता था, इस साल 20 फीट का प्रतिमा होने जा रहा है। अंदर का भी जो सेलिंग का कार्य होगा हम लोग का वो बहुत ही सुंदर भव्यता का काम होगा। और मैंने बताया ना आपसे कि हर साल की अपेक्षा इस साल अनोखा होने जा रहा है, अपने आप में 2023 इतिहास लिखेगा, पूरे बिहार का क्या प्यार है, उत्तर भारत का गौरव होगा। और हम लोग चाहेंगे कि जहाँ तक इसकी भव्यता फैल सके फैलाया जाए और पूरे बिहार में ऐसे जो भी दर्शनार्थी आते हैं कहते हैं कि भाई राजा दल ने अपने आप में एक अनोखा काम किया है, उसी को उत्साहित को देखते हुए हम लोगों ने इस साल बहुत जोरों शोरों से काम कर रहे हैं। और हमारे जो इस राजा दल के अध्यक्ष हैं श्री मोहन प्रसाद गुप्ता जी, उन्हीं की अध्यक्षता में इस साल भी हो रहा है। हम तो इसके डेकोरेशन डायरेक्टर हुए हैं। अभी जो राजा दल के अध्यक्ष मोहन प्रसाद गुप्ता अभी फिलहाल यहाँ पर मौजूद नहीं है, वो यहाँ से पूर्व प्रत्याशी RJD के भी रह चुके हैं और उन्हीं के देखरेख में ये कार्य होता है और अभी काम चल रहा है। कितना लागत लगता होगा इसमें, तकरीबन कितना पैसा का खर्चा आ जाता है? पूरे पूजा का खर्च इस साल मतलब 70 लाख रुपए का लागत है। बहुत महंगाई हो चुकी है, ऐसे तो बहुत ज़्यादा होता है लेकिन पूजा के नाम पर बहुत सी सामान है जो कम दामों में मिलती है। अगले साल 50 लाख का लागत था, 55 लाख रुपये का लागत था। तो इस साल जैसे अगले साल बाँस आया था जो 120 रुपये का पीस पर के आता था, इस साल 180 रुपये करके पीस आ रहा है। और हर साल हम लोग का 4000 बाँस लगते थे पंडाल में, इस साल 6000 बाँस लग रहा है। कहने का आपकी बहुत भव्यता से काम किया जा रहा है और बहुत ही सुंदर इस साल पंडाल उतरेगा। पूरे बिहार का हमको लग रहा है कि पूरे उत्तर भारत में एक अपने आप का गौरव बनाएगा राजा दल बनाएगा। बंजारी भी पूजा होगा और हजिया भी पूजा, हमारे सुनने में आया है कि पूजा दोनों जगह होगा, पूरे शहर में इस साल पूजा होगा। पूजा अपने आप में पूरे शहर में इस साल मैंने भव्यता ही बनाएगा, ऐसा नहीं है कि बंजारी नहीं होगा, हजियापुर नहीं होगा, हर जगह पूजा होगा। थोड़ा सा जगह रोड की जॉब है जी, वहाँ जगह को चेंज किया जा रहा है, जगह का वो लोग हमारे सुनने में आएगा जगह को चेंज करके और वो लोग पूजा करने जा रहे हैं, पूजा होगा लेकिन पूजा होगा जी। अच्छा, तो विनोद जायसवाल जी हमारे साथ थे और इस पंडाल को लेकर जो भी बातें थी इन्होंने बताई कि कितनी लागत से यहाँ पे खर्च होकर पंडाल यहाँ पे बनने जा रहा है और बहुत ही शानदार और भव्य तरीके से इस बार राजा दल अपने आप में बन के आ रहा है। तो अभी स्क्रीन पे दिए गए तस्वीर आप लोग देख पा रहे होंगे कि जिस प्रकार से ये तस्वीर आपको दिख रही है एकदम सेम हूबहू इस बार ये पंडाल यहाँ पे बन रहा है। बाकी इस खबरों के लेके आपकी क्या प्रतिक्रिया है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।